कि आया, इसके कारण गांव में संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है। जब तक आपने कोरोना कर्फ्यू लागू करके रखा है तब तक हम संक्रमण की चैन तोड़े रहेंगे, मिलेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं, शादी नहीं, विवाह नहीं, समारोह नहीं, कार्यक्रम नहीं, ये करना ही पड़ेगा। हम इसलिए कि हम सब मिलकर कोविड के खिलाफ, जितने कोई मतभेद नहीं, कोविड के खिलाफ लड़ाई कोविड मानवता के खिलाफ। और जैसा ये महामारी जैसी विनाश पीड़ा कर रही, हम लोग सब बच्चे में इसके मिल के ही लड़ना होगा। कोई एक मुख्यमंत्री लिया सब पैसे सरकार के साथ जनप्रतिनिधि समाज और आम जन सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इस समय क्योंकि संक्रमण की बीमारी है, संक्रमित इससे लोग होते हैं, इससे मर्यादाएं रखते हुए हमको सारे काम करने पड़ते हैं। इसलिए आज मैंने सब मित्रों से कहा था कोई भी आएगा या आज मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर आके मैंने कोविड महामारी पर नियंत्रण की समीक्षा की है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मैंने चर्चा की और उसके बाद मैंने डॉक्टर्स मित्रों से भी वर्चुअली बात की। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है उनसे भी वर्चुअली मैं जुड़ा। एक राहत की बात यह है कि न केवल जबलपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी की दर अब लगातार कम हो रही है। ये बढ़ के 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज घट के ये 16% के नीचे आ गई। कई दिनों में पहली बार आज पॉजिटिव केस जो निकले हैं उनकी संख्या 4 अंकों में आई, मतलब 9500 के आसपास आई। और जबलपुर में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या अब कम होने लगी है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हम चैन की सांस नहीं ले सकते, सफर अभी लंबा है, हमको लंबा रास्ता तय करना है और इसलिए सचेत और सजग होके कोरोना की महामारी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार की त्रिस्तरीय नीति है, 3 स्तरों की कार्य योजना है इस संक्रमण से लड़ने की। नंबर 1, संक्रमण की चैन तोड़ना। मैं जनता का, जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का आभारी हूँ, सबने मिलके जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। संक्रमण की चैन तोड़ने का सबसे प्रभावी उपाय है तो वो है आपस में मिलना जुलना बंद करें। और गांव में भी हम, कई गांव ने जनता कर्फ्यू लगाया है और शहर की जनता भी कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि जनता ही का कर्फ्यू है, जनता के लिए, उसके कारण संक्रमण की चैन टूटना प्रारंभ हुई है। अभी शादी विवाह का समय नहीं है, कार्यक्रम के आयोजन का समय नहीं है, तो एक सबके साथ मिलकर संक्रमण की चैन तोड़ने का अभियान लगातार जारी रहेगा। दूसरा जो उपाय हम लोग कर रहे हैं, किल कोरोना अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर टीम सर्वे कर रही है। 3 हमारे ग्रुप बने, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले का, फिर ब्लॉक का और फिर गांव का भी।
क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई भोपाल और जबलपुर में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती, हर एक गांव में लड़नी पड़ेगी और प्रशासन के साथ वहाँ की जनता को मिलकर लड़नी पड़ेगी। कई बार गंभीर मामला इसलिए हो जाता है कि कई दिनों तक सर्दी जुकाम बुखार को हल्के में ले लेते हैं लोग, और बाद में जब संक्रमण फेफड़ों में चला जाता है तब तकलीफ होती है, तब अस्पताल आते हैं। इसलिए हमने तय किया कि हर घर का सर्वे होगा और सर्वे करके अगर सर्दी जुकाम बुखार के प्रकरण बाहर निकलते हैं तो तत्काल उनको दवाई का किट देंगे और उनसे कहेंगे टेस्ट आए इसके पहले दवाई लेना शुरू कर दे, सैंपल भी लेंगे, टेस्ट भी होगा, लेकिन दवाई का किट उनको निःशुल्क मिल जाएगा। अगर उनमें से कुछ गंभीर लगेंगे तो होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में या जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भी भर्ती करेंगे। तो एक तो मेरी अपील है कि कोई छुपाए ना, अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल बताए और वो चिंता ना करें, उनके उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। तो ये किल कोरोना अभियान गाँव में और शहरों में कोविड सहायता केंद्र खोल के हम जनता से अपील कर रहे हैं कि सर्दी जुकाम और बुखार हो तो फीवर क्लिनिक पे आ जाओ ताकि आपका परीक्षण करके आपको दवाई दी जा सके और आगे आपको क्या करना है इसकी सलाह भी दी जा सके। तीसरी चीज़ हम कर रहे हैं कि अब गरीब हो, आमजन हो या मध्यम वर्गीय हो, उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क पहले से हो रहा है, कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि जो कोविड के महामारी के इलाज के लिए सरकार ने अनुबंधित किए हैं उनमें भी निःशुल्क इलाज हो रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत पैकेज के जो कार्डधारी थे जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 88% परिवार आ जाते हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उनमें से अगर परिवार में एक भी आयुष्मान कार्ड है तो बाकी सदस्य भी भगवान ना करे संक्रमित हो, संक्रमित होगा तो उसका भी कार्ड बनाया जाएगा और उस आयुष्मान कार्ड पर 40% अधिक पैसा देके अस्पतालों को पैकेज बनाया है। मुझे खुशी है कि जबलपुर के भी कई अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने भी तय किया है कि हम उस पैकेज के अंतर्गत निःशुल्क इलाज करेंगे, मतलब पैसा सरकार देगी और प्राइवेट अस्पताल में भी आमजन को निःशुल्क उपचार मिलेगा, इलाज मिलेगा, ताकि कोविड की ये महामारी कई बार शरीर तो तोड़ती है आर्थिक रूप से भी तोड़ देती है। ये निःशुल्क इलाज की हम लोगों ने, मध्य प्रदेश शासन ने व्यवस्था की है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना यहाँ लागू की गई है, उसके अंतर्गत ये निःशुल्क उपचार होगा। और चौथा वैक्सीन सुरक्षा चक्र है, तो वैक्सीनेशन का हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं, लेकिन तीन चार चीज़ें जो जबलपुर में हमको लगता है, अरविंद भदौरिया जी हमारे प्रभारी मंत्री जी मेरे साथ हैं कोविड के, वो लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, यहाँ के सांसद जी, यहाँ के विधायकगण सबके साथ मिलके यहाँ के उपचार की व्यवस्था देख रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ICU और SDU के बेड की संख्या भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है, 600 से बढ़ा के 640 उनकी संख्या की जाएगी ताकि ICU में और उपचार हो सके। जबलपुर में बाहर से भी लोग बड़ी संख्या में 17-18 जिलों के लोग आते हैं, उनको उपचार मिल सके। मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन बेड की संख्या 144 से बढ़ा के 225 की जाएगी। हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, दो चीज़ें, एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, वो भी लोगों, कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट के रूप में हो रही है, उसके उपचार के लिए भी एक कमेटी बना रहे हैं ताकि उसकी राय से हम ब्लैक फंगस के जो रोगी हैं उनके भी बेहतर इलाज की व्यवस्था कर सकें। और एक थर्ड वेव आएगी ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, हमने प्रदेश स्तर पर थर्ड वेव के मुकाबले के लिए क्या करना चाहिए एक कमेटी बना दी है, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों को असर करेगी, इसलिए हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों के इलाज के लिए कोविड के अलग से बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश में मैं निर्देश दे रहा हूँ कि अभी से हम व्यवस्था करके रखें ताकि अचानक कोई बड़ा संकट पैदा ना हो जाए। कोविड की जांच बढ़ाने के लिए भी अब यहाँ RT-PCR के जो टेस्ट है वो 900 के स्थान पे 1800 होंगे, प्रतिदिन जांच होगी उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन से लेकर CT स्कैन तक की और
व्यवस्था करने का काम करेंगे। आज कुछ सुझाव यहाँ और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आए, हमने तय किया गरीबों को निःशुल्क 3 महीने का राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 2 महीने का राशन दे रहे हैं, मतलब 1 महीने में एक व्यक्ति को, परिवार को नहीं व्यक्ति को, कम से कम 10 किलो अनाज 1 महीने में निःशुल्क मिलेगा। अगर 5 लोग हैं तो 50 किलो निःशुल्क मिलेगा। मुझे बताया कि कुछ लोगों के नाम छूटे हुए हैं, तो मैं आज निर्देश दूंगा कि किसी गरीब का नाम छूटा हुआ हो तो अपवाद मान के, हम कई श्रेणियों में ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, घरों में कामकाज करने वाली माता बहन हैं, कोई और गरीब आदमी रह गया है, हाथ ठेला धकाने वाला, सब्जी फल बेचने वाला, चाय की गुमटी वाला, पान के ठेके वाला, बहुत गरीब जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं उनको भी ये राशन प्रदान किया जाएगा। हमने जितने छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर थे उनके खाते में भी 1000 रुपया, 1000 रुपया डाले ताकि तात्कालिक रूप से काम चल सके। किसानों के खाते में भी मुख्यमंत्री जो हमारी किसान कल्याण योजना उसके अंतर्गत 2000 रुपये डाले हैं। तो संकट की घड़ी में बाकी उपाय भी हम करेंगे। और एक चीज़ और जो यहाँ सुझाव में आई है, पोस्ट कोरोना, कोरोना के बाद के जो इफेक्ट है उसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था हम और करेंगे। कुल मिला के संकट इस घड़ी में जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दे सकें, बेहतर इलाज की व्यवस्था कर सकें, लेकिन मूल है संक्रमण को रोकना, तो संक्रमण को रोक के कोरोना ख़त्म कर सकें, इसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतने भी का मसला देश भर में आ चुका है, और ना केवल इसमें जिस आरोपी का नाम सामने आ रहा है उस पर पता नहीं विशेष कृपा पात्र रही है, कोई भी हो, एक बात सुन लीजिए, दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है, उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाई हुई है, ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन है, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हमने एक अलग टीम बनाई है उच्च स्तरीय, वो जांच करके कार्रवाई करेगी, उस कार्रवाई को मैं रोज देखूंगा। सर, भोपाल में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है अस्पतालों के खिलाफ, जबलपुर में भी शुरू हुई, सब जगह मेरे निर्देश है, जहाँ भी गड़बड़ मिलेगी शिकायत होगी, शिकायत केवल यहाँ नहीं, शिकायत भोपाल में भी एक टीम कमेटी बनाई, उसके पास भी शिकायत की जा सकती है, हम जांच करवाएंगे और जांच करके कोई भी गड़बड़ करेगा तो देखो दोनों तरह के लोग हैं, एक अच्छे अस्पताल भी, अच्छे डॉक्टर भी हैं जो दिनों रात सेवा का काम कर रहे हैं, समर्पण से लगे हुए हैं, ऐसे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हैं वो हैवान है, उनको नहीं छोड़े। धन्यवाद।